तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेट बैंकिंग के बारे में। तो अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो और किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाता है या आपके नेट बैंक में दूसरे अकाउंट काट के ले जाता, तो यही वीडियो आप इन तक ज़रूर देखिए। तो कैसे आपको पैसा रिफंड मिलेगा और कैसे आपको यूज़ करना चाहिए इस नेट बैंकिंग को, जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, भीम, भारत पे, गूगल पे, बहुत सारे ऐप आ गई है आजकल इंडिया में। तो इस पेमेंट के द्वारा हम लोग बहुत सारे मुसीबत के सामना करना पड़ रहा है। अगर आपकी पैसा किसी गलत इंसान के पास चला जाता है तो आपको पहले क्या करना चाहिए, आपको पहले आपके बैंक पे जाना जा सकती है। लेकिन बैंक पे जाकर आप जब बताएंगे जो मेरा पैसा गलत इंसान से दे दिया है और मैं पैसा रिफंड चाहती हूँ, तो बैंक वाले आपका आंसर देगी ये किसी थर्ड पार्टी का है। जैसे कि अगर कोई भीम या पेटीएम वो सब थर्ड पार्टी कहती है बैंक वाले, तो ये थर्ड पार्टी के उन लोग कुछ नहीं कर सकते और आपको बताएगा ये आपकी गलती इसके वजह से हुआ है, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो ऐप से पैसा ट्रांसफ़र किया है उस ऐप की कस्टमर केयर में कॉल करें, तो आपको कस्टमर केयर में आप कॉल करना चाहिए। जब भी आप कस्टमर केयर में कॉल करेंगे तो आपको नंबर नहीं मालूम तो आपको गूगल से लेना पड़ेगा। गूगल पे आप जाके सर्च कर सकती है। अगर आपको फ़ोनपे की कस्टमर केयर चाहिए तो लिखना होगा फ़ोनपे कस्टमर केयर नंबर, या कोई भी ऐप का कस्टमर केयर नंबर आप गूगल से मिल जाएगा। तो आप उसके बाद उसके अकाउंट में कॉल करेंगे कस्टमर केयर कॉल में, तो उन लोगों बताएगा जो ठीक है आपका पैसा गलत इंसान से गया है, तो ये हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपके लिए कंप्लेन ले सकती है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाइए बैंक पे, जाइए फिर से बैंक पे जाकर आप बताइए। बताने के बाद आपको आपको पैसा मिल सकता है, वो लोग आपको दे देंगे। तो आपको फिर से बैंक में जाना पड़ेगा, लेकिन बैंक वाले उतना ज़्यादा आपको भाव नहीं देगा, वो बार बार बोलेंगे ये हमारा बात नहीं, ये थर्ड पार्टी का बात है। तो अब तीसरी जो स्टेप होता है वो है कोर्ट का। जो आप अगर आप थोड़ा बहुत पैसा है तो आप कोर्ट के चक्कर लगाने से अच्छा है, क्योंकि कोर्ट का कर्ज बहुत ज़्यादा होता है और आपका पैसा बहुत कम। क्योंकि मेरे 3,500 रुपये एक आदमी को दिया था, लेकिन आज तक अभी मेरा पैसा रिफंड नहीं हुआ है। मैं चक्कर काटते हुए एक बार बैंक पर जाता हूँ और एक बार मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ, मेरा चक्कर ही चल रहा है। क्योंकि मैंने जो अकाउंट पे डाला है आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, 3,500 रुपीज़ डाला है, लेकिन अभी तक रिफ़ंड नहीं हो रही है। और कस्टमर केयर बैंक वाले आपको इस आदमी का नंबर भी नहीं देंगे, क्योंकि वो बताएंगे किसी मेरे ग्राहक का कोई कस्टमर का हम ग्राहक नहीं सकते, या दूसरे बैंक की UPI ID है तो आप इसमें भी बोलेंगे ये दूसरा बैंक का डाटा हमारे पास नहीं है, तो हम इस दूसरा बैंक की नई ID भी दे सकते हैं। तो इस तरह का मुसीबत का सामना करना पड़ेगा आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवॉइड करके चले, आप खुद की तरफ से ही पेमेंट कीजिए और नंबर सही हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, वरना आपको पैसा नहीं रिफंड होने वाला है। तो इस जो भी ऐप आप इस्तेमाल करते हो, तो जब भी आप सेंड करेंगे तो पूरा 2-3 बार 4-5 बार देख के पूरा कन्फर्म होकर आप पैसा सेंड कीजिए, वरना आपके पैसा डूब सकते हैं। जैसे कि मेरा 7,000 डूब गया है, मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देती हूँ, किसी दूसरे का ID में चला गया है, मैं पैसा रिफंड नहीं हो रही है। तो वीडियो सभी के साथ आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि सभी को इस जानकारी लेना चाहिए। जो अगर आपके पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाता है तो बहुत मुश्किल होगा उसको रिफंड पाना। तो वीडियो सभी के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके दोस्त कोई फ़ोनपे ATM यूज़ करते हैं तो उसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं फंस गई, आप नहीं फंसे। मेरा 3,500 रुपया तो गायब हो गया है, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। तो वीडियो जरूर शेयर करें और एक लाइक तो बनता है। तो आज के लिए इतना ही।